बुरहानपुर की बात करेंगे। विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बुरहानपुर में नेताओं में बगावत के सुर अब तेज होने लगे हैं। बीजेपी से पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है और उनके प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बगावत निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेरा को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। वहीं कुछ लोग अल्पसंख्यक टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन इतने दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने AIMIM का दामन थाम लिया है और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नफीस मंशा खान AIMIM के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। औरंगाबाद में AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने इसकी विधिवत घोषणा कर दी है। कहा जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाला है। माननीय कमलनाथ से बरहारपुर के 22 पार्षद दोनों विधायक संगठन के लोग अल्पसंख्यक का टिकट मांगने गए वहाँ हमें नाउम्मीद करते हुए एक निर्दलीय उम्मीदवार जिसका कांग्रेस के सदस्य जाता भी नहीं था उसको टिकट दे दिया गया और अल्पसंख्यक को नाराज कर दिया गया। उसके बाद उसके एक हफ्ते बाद यहाँ से 26 पार्षद पूर्व दो विधायक भोपाल जब गए और सूजा वाले से जब मिलने गए कमरे के अंदर तो वो अपने कमरे में बंद हो गए, अकेले बैठे थे 2 घंटे तक, ना तो हमारे पार्षदों से मिले और ना विधायकों से मिले।